नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए रुख करते हैं देश विदेश से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के प्रति अपशब्दों और अभद्र भाषा के साथ अपमानजनक बातें कही गई हैं, जिसके खिलाफ विजय राघवगढ़ विधानसभा के कांग्रेस के समस्त संगठनों के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने बरही में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन कर विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं वर्तमान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है और भाजपा सरकार की विफलताएं गिनाई हैं। वही लाडली बहना योजना को लेकर निशाना साधा गया। कांग्रेस नेता नीरज सिंह बघेल ने कहा कि लाडली बहना योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पूर्व में कमलनाथ सरकार की उपलब्धियों की जानकारी भी दी है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि नीरज सिंह बघेल, जिला पंचायत सदस्य प्रेम लाल केवट, पंडित संजय बिलोहा, ब्रजराज सिंह परमार, चंद्र प्रताप तिवारी, उदय भान सिंह, हर प्रसाद स्वर्णकार, मोहित शर्मा, अमित गुप्ता, रोहिणी सिंह, कौशल सिंह, शुभम शर्मा सहित अन्य सभी कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे हैं। जिला ब्यूरो राजेश केवट की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जी को उन्होंने पागल कहकर सम्मानित किया है। देश की जनता इस बार उन्हें इस तरह से जवाब देने वाली है कि जिस तरह से पूर्व में भी हालांकि हमारी सरकार थी, इसके बावजूद भी जो ये पैसा भ्रष्टाचारी, इनको इसलिए पैसा चाहिए कि इनको विधायक खरीदने होते हैं, जो इनके सुचिंतक जो चोरी करकर भाग रहे हैं, डाका डालकर भाग रहे हैं, शायद इसलिए भाग रहे हैं कि इनको विधायक खरीदना पड़ता है, क्योंकि सरकार बनने के लिए इनके पास विधायक नहीं पूछ पाते हैं। शायद इसीलिए आज मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि इनका बच्चे दिन जो सपना था वो अब अच्छे दिन जाने वाले हैं और हमारे कमलनाथ जी आने वाले हैं। बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं, जो बुजुर्गों को गाली बकते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम लोगों ने यज्ञ किया है। यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में पूरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बरही सद्बुद्धि यज्ञ किया कि शायद माता रानी इनको और हे परवरदिगार इनको सद्बुद्धि दे कि गलत भाषा का हमारे नेता के प्रति, ये नेता के क्या जनता के प्रति भी नहीं। आप ये देखिए कि जो आप 1000 का लाडली लक्ष्मी की योजना की बता रहे हैं, मुश्किल से जो लोग आएंगे हमारे पूरे क्षेत्र विधानसभा में, बता रहा हूँ, सबसे फॉर्म भरवाया जा रहा है, सबके 250-300 रुपये महिलाओं के लग रहे हैं। ये बात मैं बता दूँ, वो महिलाएं जिस दिन उनका नाम कटेगा और कितनी शर्तें हैं वो फॉर्म देख लीजिएगा आप, तब क्या हाल होने वाला है। कमलनाथ जी ने कहा है कि ईमानदारी से कहा सभी को 1500 रुपये और 500 का सिलेंडर, जो घर में हमारे उपयोग होता है, सबसे पहले भोजन होना चाहिए, छत बाद में मिले, समझ रहे हैं, सांस के बाद यदि कोई चीज़ जरूरी है तो भोजन।